सतना जिले के अंतर्गत मैहर नगर धार्मिक नगरी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर यहां है, जहां दूर दराज से भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। वर्ष की दो नवरात्रि में यहां धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के समय भव्य मेला लगता है, जहां लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। मैहर की मां शारदा मंदिर जाने वाला मार्ग कई वर्षों से खस्ता हाल है। मैहर में मिनी स्मार्ट सिटी का कार्य कागजों में प्रगति पर है, लेकिन हकीकत सामने कुछ और ही बयां कर रहा है। मैहर नगर के अन्य मार्गों के साथ मंदिर जाने वाले मार्ग की दुर्गति सामने ही देखी जा सकती है। वहीं एडवोकेट निखिल मिश्रा ने कहा कि पूर्व दिनों मैहर में नो एंट्री लागू थी, लॉकडाउन में हटा दी गई, लेकिन अब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नो एंट्री लगाई जानी चाहिए। पूर्व दिनों अधिवक्ता संघ ने भारी भरकम वाहनों के प्रवेश पर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा था। मैहर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हैं और यहाँ ओवरलोड वाहन निकलते हैं, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। पिछले दिनों नो एंट्री लगाई गई थी, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले जो मेन विषय है वो है नो एंट्री का। शहर के अंदर इतना ट्रैफिक है, हमारा जो शहर है, हमारा नगर है, वो धार्मिक स्थल है, सभी जानते हैं। धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ भीड़ भाड़ होना मतलब स्वाभाविक रूप से। इसके बावजूद भी प्रशासन जो ढिलाई कर रहा है उद्योगों के दबाव में आकर, नो एंट्री ना लगाना, ये मेरे समझ के परे नहीं है। नो एंट्री ना होने के कारण जो भारी वाहन चल रहे हैं, शहर की जो दुर्दशा बिगड़ रही है। अभी पिछले ही साल 16 लाख की रोड बनी हमारी घंटा घर से और अलाउद्दीन तिराहा तक की। उस रोड की स्थिति ये है कि कार टायर तो छोड़िए, कार भी गुज जाती है। इस बदहाल स्थिति को जब प्रशासन के सामने रखा गया तो प्रशासन हाथ खड़े कर देता है किसी विषय पे, ना व्यापारियों के ना जनता के हितों की कोई परवाह करता है प्रशासन। तो हम तो चाहते हैं कि नो एंट्री लगाई जाए और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपका परिचय? मेरा नाम निखिल मिश्रा, एडवोकेट हूँ मैं सिविल कोर्ट मैहर में। सर, मैहर में भारी भरकम वाहन भी शहर से निकलते हैं, रोड की खस्ताहाल व्यवस्था है, इसके लिए प्रशासन क्या करेगा? नवरात्रि का उत्सव भी आ रहा है, लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं मैहर। देखिए, रोड का टेंडर हुआ है, लेकिन बरसात के समय में डामरीकरण या ये कार्य कराए नहीं जा सकते हैं। ये 15 अक्टूबर के बाद सड़क का स्थायी काम होगा। अभी गड्ढे भरने के लिए हमने तीनों कंपनियों को लिखा था, तीनों लोग सहमत भी थे, किंतु बीच बीच में बारिश हो जाने से, कल भी बारिश हो गई, आज रात में काम, कल रात में भी काम होना था, नहीं हो पाया। आज रात में कोशिश करेंगे कि गड्ढे भर जाएँ और बराबर हो जाए। और बाकी वाहनों के लिए क्या करेगा प्रशासन? भारी भरकम वाहन, वाहन के लिए ट्रैफिक पुलिस रहेगी उसको सड़क, हम आपने देखा होगा घंटा घर चौराहे के पास जो भी फल ठेले हैं, इनको हमने सुव्यवस्थित करके संगूटा तालाब के पास खड़ा कराया है, और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस रहेगी, और जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रोकना पड़ेगा तो रोकेंगे, क्योंकि एक ही मात्र रास्ता है सत्ता जाने के लिए, तो इसको पूरी तरह प्रतिबंधित फिलहाल तो नहीं किया जा सकता। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।